हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वुमन इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो वही एक्सरसाइज 5.7 चल रहा था 12th क्लास मैथमेटिक्स में, तो ये उसका वीडियो नंबर 3 है और आज इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे क्योंकि इसमें 4-5 सवाल ही रह गए हैं मात्र। चलिए करते हैं। ये वाला सवाल है कि यदि वाई बराबर आपको ए की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर एन एक्स है तो सिद्ध करो, ये इतने बराबर जीरो सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो, सिद्ध करने में आपको dy / dx और d2y / dx2 ये चाहिए। तो यहाँ से सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। ओके, पहले क्या दे रखा है, गिवन आपको दे रखा है y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर ns। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है ये। इसका एक बार अवकलन करेंगे dy / dx तो किस तरह से होगा, देखिएगा ध्यान से। आप जानते हो कि भाई d / dx e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है। तो देखिए, ये तो अपने आप में कांस्टेंट है। ये वाली चीज आपने x समझो कि ये वाली चीज x है तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। लेकिन जो x समझते हैं, इसको मैंने x समझा, जिसको मैंने x माना, ठीक है, तो इसको मैंने x माना है, किसको, mx को, तो इसका मुझे दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। इसका दोबारा से अवकलन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा x का हो जाएगा 1, तो ये बचेगा m। ऐसे ये b e की पावर, इसको करेंगे e की पावर x को e की पावर x, और जो x है nx, nx इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा तो n आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x का हो जाएगा 1, n बचेगा। तो कुल मिलाकर dy / dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a m e की पावर mx प्लस बी एन ई की पावर एन। इस चीज को याद रखेगा। अब इसका पुनः अवकलन कर देंगे। पुनः अवकलन करने पर फिर से अवकलन करेंगे तो डी टू वाई / डी एक्स टू हो जाएगा बराबर। ये ए एम अब की बार कॉन्स्टेंट है, फिर वही काम करेंगे ई की पावर एक्स का, देखिएगा ध्यान से। अब की बार इसको वही चीज, इसको x मानेंगे तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, जो x है उसका दोबारा से करेंगे mx का दोबारा से अवकलन करेंगे तो m आ जाएगा। फिर प्लस ऐसे b n e की पावर nx into n, क्यों, जैसे इस चीज का अवकलन हुआ था e की पावर nx into n, मतलब इसको हमने x मान लिया, इस वाली चीज को e की पावर x का e की पावर x into जो nx है, तो हमने इसको x माना है, इसका दोबारा से करेंगे तो n हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए, तो डी टू वाई / डी एक्स टू बराबर कितना आ जाएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये आ जाएगा। समझ में आई बात। अब हमारे पास में ये चीज हमको जीरो सिद्ध करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एल एच एस ले लेंगे। एल एच एस क्या है, डी टू वाई / डी एक्स टू माइनस एम एम प्लस एन डी वाई / डी एक्स प्लस एम एन वाई, ये है। और ये हमारा जीरो आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा ये। डी टू वाई / डी एक्स टू की वैल्यू कितनी है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर e की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, ये हो जाएगा dy / dx, ये a m e की पावर एम एक्स प्लस b n e की पावर एन एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका dy / dx, ये वैल्यू मैंने dy / dx की थी, ठीक है। फिर आपका प्लस एम एन वाई, प्लस एम एन वाई, देखिएगा यहां से मिटा दे रहा हूं इसको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये देखिए, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। प्लस एम एन वाई, एम एन वाई का मतलब क्या है, प्लस एम, और हाँ ये चीज पूरी की पूरी इसमें मल्टीप्लाई बढ़ेगी, प्लस एम एन और वाई, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये है, पूरी की पूरी मल्टीप्लाई में आएगी ये वैल्यू, ये रही वैल्यू, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन, ये क्योंकि ये पूरी वैल्यू वाई की है तो इसके लिए ये, और ये वैल्यू डी वाई / डी एक्स की है, और ये आपकी डी टू वाई / डी एक्स टू की है, ये इस तरीके से आ रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई आगे आगे करनी है, किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए।
अब आपका देखिएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब देखिएगा मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आप कैसे समझिए, पहले इस माइनस इसका मतलब क्या है, इसका माइनस एन यही तो है इसका मतलब। तो पहले माइनस एम की, माइनस एम की तीनों में मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स फिर माइनस बी एम एन भाई एम एन, यानी माइनस और इसमें इनकी मल्टीप्लाई इसमें करी इसमें करेंगे तो माइनस बी एम एन ये हो जाएगा। अब माइनस एन और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस और बी और एन की मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स फिर प्लस एम की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस ए एम एन ए एम एन ई की पावर एम एक्स। ठीक है, ये देखिएगा हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, ठीक है, इस दोनों इसी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बी एम एन प्लस बी एम एन ई की पावर एम एन। बस ये चीज याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई मैंने कैसे की है, यहां से मैंने इसका मतलब क्या है, इसका मतलब माइनस एम माइनस एन, ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा। अब माइनस एम की इसमें मल्टीप्लाई करी इसमें करी तो माइनस माइनस हो जाएगा एम स्क्वायर ए जो करते हो ई की पावर एम एक्स, फिर इसमें करेंगे माइनस बी एम एन बी एम एन ई की पावर। अब माइनस एन की करेंगे तो माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स फिर माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर। अब देखिए सारी चीज कट रही होंगी, देख लीजिएगा सारी चीज कट रही होंगी, क्या चीज कट रही है ए ए देखिए ए की पावर ये वाला प्लस का है याद रखिए ए की ए एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये आपका ये चीज आपकी कट रही है। आपका दूसरा बी एन स्क्वायर प्लस का बी एन स्क्वायर तो माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये आपका बन गया। और माइनस का बी एम एन माइनस प्लस का बी एम एन ये कट गया एन एक्स वाले से, और ये एम एक्स और ये एम एक्स ये पूरा ये कट गया, कुल मिलाकर जीरो आ गए। यही आपका आर एच एस का प्रूफ, यही चीज तो हमको प्रूफ करनी थी कि हमको ये वाली चीज जीरो लेकर आनी थी, सॉरी ये वाली चीज आपकी जीरो थी तो यही चीज आपकी जीरो आ गई। ठीक है, बस आपको सवालों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सवाल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल आपको बढ़ाते हैं। पंद्रहवा सवाल क्या कह रहा है, y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x है, तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, d2y/dx2 = 49y। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपल तरीके से जो चीज दे रखी है पहले वो ले लो, y = 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x ये दे रखा है। इसका अवकलन करेंगे एक बार dy/dx तो किस तरीके से 500 अपने आप में कांस्टेंट है इनटू e की पावर x, यदि ये e की पावर x होता तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर 7x दे रखा है, 7x का अवकलन करेंगे तो 7, भाई 7x का अवकलन फिर से करना पड़ेगा ना, 7x का अवकलन कितना हो जाएगा x का 1 7 तो कांस्टेंट ही है, फिर प्लस ऐसे ही ये 600 है e की पावर x का अवकलन, अब की बार ये x है तो माइनस ये रहेगा, लेकिन अब की बार d/dx माइनस 7 का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 7 आएगा, तो माइनस का 7 निकलेगा। dy/dx की यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा 7 = 35 3500
3500 e^7 है प्लस, और सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस आ गया जाएगा, माइनस 7 6 42 माइनस 7 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 e^-7 ऊपर लगेंगे। एक बार अवकलन हो चुका है, माइनस 7 की मल्टीप्लाई 600 में कर देंगे तो माइनस के 42 तो आ जाएंगे। ये 7 कैसे आई, क्योंकि जो x की जगह पर, ये अकेला x होता, अकेला x होता तो e^x ही रहता, फिर आपको आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि x अकेला x नहीं, अकेले x की जगह पर क्या दे रखा है, 7x दे रखा है, तो 7x का अवकलन करते हैं, गुणा में लिख देते हैं। ये चीज हमने काफी दिन से बता रखी है, इसका पुनः अवकलन कर देंगे, पुनः अवकलन करने पर करेंगे तो d2y/dx2 बराबर, ये 3500 तो जो का क्यों रहेगा, बाकी वही काम करना है, इनटू e^x। समझ लो कि ये आपका x है, तो e^x का e^x ही रहेगा, लेकिन 7x का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, तो 7। ऐसे ये माइनस का 4200 है, ओके, इसका करेंगे e^x का करेंगे तो e^x, क्योंकि ये x मान लिया हमने, जो x माना है उसका दोबारा से करेंगे तो माइनस 7x का करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है, ये वही काम दो दो बार कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि d2y/dx2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, ठीक है, ओके, और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक बार 7 यहाँ पे आया था, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 7 आया, एक बार और 7 आ गया, तो यानी कि इसका मतलब यही तो है कि 3500 को लिख सकते हैं 7 × 500, ठीक है, अब इसमें एक और 7 आ जाएगा, यानी कि 49 × 500 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं आपको यही पर इसकी मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, 0 0 7 पन्ना 35 का 5 और 7 किया 21 21 22 23 24 24 कितना आ जाएगा, e^7x। अब देखिए अब माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 7 × 14 = 4 सिर्फ 1 7 × 28 और 1 29 इतना आ जाएगा, और e^-7 है, ठीक है। अब आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर 49y लेकर आना था, और देखिए वैसे भी यहाँ पर ये क्या है 3500 कैसे आया था, 7 × 5 में की थी, 500 में की थी, 3500 आया, फिर से इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दी, मतलब यही तो हुआ है, 500 में गुणा करी 7 की तो ये आया 3500 और 3500 में मैंने फिर से गुणा कर दी 7 की तो ये आ गया ये 24 500। तो इसका मतलब ये है कि 500 में 7 की मल्टीप्लाई करी तो ये आया, 500 में गुणा 7 किया तो ये आया, ठीक है, यानी कि 3500 आया था, और 3500 में फिर से मैंने 7 की मल्टीप्लाई करी थे, तो इसका मतलब ये है कि 49 × 500, ठीक है, और आपको पता है ये इसको लिख सकते हैं हम, इसको 49 × 500 e^7x प्लस, इसको कितना लिख सकते हैं, 7 यहाँ पे था और 7 यहाँ पे था, 600 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 49 × 600 e^-7x, ठीक है। अब 49 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 49 कॉमन ले लेंगे, 500 e^7x प्लस 600 e^-7x इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे समीकरण एक मान लोगे, ये वाली वैल्यू समीकरण एक से, समीकरण एक से जो सवाल में दे रखा है, ये वाई है ना, ये वाली वैल्यू आपकी वाई की है ना, ये 500 e^7x 600 e^-7x, यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी, प्रूफ यही तो प्रूफ करना था, बस आपको याद रखना है, आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगी 49 49, आप कॉमन ले लो, सीधी सीधी बात है, इसमें 49 का भाग करके देखिए, बात करता हूँ 49 का भाग कैसे करोगे, देखिए 24 500 है, 49 का भाग करके देख लो 500 ही आएगा, कैसे 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 21 और 3 बचेंगे 7 × 35 35 आ गया 749 7 से 7 × 35 500 आ गया ना, आ गया 500, इसी तरीके से इसमें 49 का भाग करके देख लो 600 आएगा, ठीक है, उतना ही कॉमन है, सवाल भी तो बना है, ये सवाल बना है तो इसको उत्तर भी है, उत्तर है तो आपका वही उत्तर आना ही आना है, और वैसे ही हमको दिखाई दे रहा है 500 में जब हमने 7 की मल्टीप्लाई करी तो 3500 आया,
3500 में फिर से 7 की मल्टीप्लाई करी तो इतना आया, तो इसका मतलब यह है कि 500 में एक बार 7 की मल्टीप्लाई, फिर से दो बार मल्टीप्लाई, 7 और 7 49 कॉमन ले लेंगे तो 500 ही बचेगा ना। ठीक है, ये वाला है, ठीक है, तो इसको करते हैं हम सॉल्व। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको करेंगे हम किस तरीके से करेंगे देखिएगा। ये आपका देखिए दिया क्या है, कोई दिक्कत नहीं, जो दे रखा है पहले उसको लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ से, और सॉल्यूशन में आपको दे रखा है e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1, ये दे रखा है। पहले हम इसका अवकलन करेंगे, अवकलन कैसे करेंगे देखिएगा, आपका ये वाला पहला टर्म है और ये वाला आपका दूसरा टर्म है। ठीक है, तो करिएगा इसका अवकलन करेंगे, तो पहला टर्म दूसरे का अवकलन यानी कि x प्लस 1 का अवकलन, फिर प्लस दूसरा टर्म और पहले का अवकलन यानी कि e की पावर y का अवकलन, और ये हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिएगा e की पावर y जो कहते हो इनटू x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस और इसका 1 का अवकलन हो जाएगा 0। ठीक है, चलिएगा फिर प्लस, और ये आपका x प्लस 1 जो कहते हो रहेगा और ये हो जाएगा e की पावर y का अवकलन। जैसे e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है, तो ऐसे e की पावर y का अवकलन e की पावर y रहेगा, लेकिन साथ में dy / dx आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सोच के देखो कि y को हम x मानेंगे तो e की पावर x का e की पावर x, तो y को x माना है ना, तो y को दोबारा करना पड़ेगा dy / dx इसलिए, और ये 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया, x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि e की पावर y प्लस ये है आपका x प्लस 1 e की पावर y, और ये साथ में आ जाएगा dy / dx बराबर और 0। ये वाली चीज उधर पहुंच जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 e की पावर y dy / dx बराबर, ये उधर पहुंच जाएगा तो माइनस का e की पावर y आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फिर से अवकलन करेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है e की पावर y से e की पावर y आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर e की पावर y से e की पावर y कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, x प्लस 1 dy / dx बराबर माइनस का 1। अब इसका फिर से अवकलन करेंगे हम, तो इसका अवकलन या आप ऐसा समझिए dy / dx बराबर माइनस का 1 / x प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा। चाहे तो यहाँ से भी अवकलन कर सकते थे, यहाँ से भी अवकलन हो जाएगा, कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ से अवकलन करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो d2y / dx बराबर, अब देखिएगा ये माइनस का है, इस माइनस को तुमने बाहर ले लिया। अब आपको बता दूं 1 / x का अवकलन, ये तो काफी बार बताया, पुराना वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता है माइनस 1 / x स्क्वायर होता है। ऐसा क्योंकि 1 / x की पावर n का यदि हम अवकलन करते हैं, n x की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर देखिएगा, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हमारा माइनस का ये आपका कॉमन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 / ये है 1 / x प्लस 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम बहुत ही तरीके से करेंगे कि आप ऐसा समझिएगा कि ये समझो कि ये वाला माइनस तो मैंने बाहर ले लिया है, ये चीज आ गई 1 / इस चीज को आप x मानो 1 / x, तो 1 / x का क्या होता है, माइनस 1 / x स्क्वायर, x की जगह पर क्या माना है मैंने, इसको x माना है, तो इस वाली चीज को, ये वाली जो चीज है ये, इसको मैंने x माना तो माइनस 1 / x स्क्वायर, जो x होता है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, तो x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0, भाई x प्लस 1 का फिर से अवकलन करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिसको x मानते हैं उसका दोबारा से करना पड़ता है, तो ब्रैकेट 1, तो d2y / dx2 बराबर, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस का 1 / x प्लस 1 का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा, तो d2y / dx2 बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 / x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और देखिएगा dy / dx की वैल्यू इतनी आ रही है, ये देखिए
ये आ रही डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी, ये माइनस का था इस तरीके से, ये माइनस के इस तरीके। अब इसका यदि मैं स्क्वेयर कर दूं भाई, माइनस वाली चीज का भी स्क्वेयर करेंगे तो भी इतना ही आएगा, प्लस वाली चीज का स्क्वेयर करेंगे, मतलब इस चीज को देखो डी टू वाई सॉरी डी डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर निकालूंगा तो ये माइनस वन का स्क्वेयर वन हो जाएगा, नीचे एक्स प्लस वन का स्क्वेयर, तो यही चीज आएगी वन प्लस वन वन अपॉन वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर। तो ये अपने आप में क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख सकते हैं, ये चीज यहाँ से इस वाली चीज से ये चीज आ जाएगी, जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो माइनस वन का स्क्वेयर वन और ये, तो ये चाहो तो यहीं पर ही हो जाता है, ये क्या है अपने आप में, ये चीज का स्क्वेयर है, ठीक है। तो इसलिए समझ में आई बात नहीं आई, ये आपका प्रूफ हो गया, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत लग रही होगी, सर ये कैसे अवकलन हुआ, तो उनको समझा दूं मैं, वीडियो को पीछे देखो समझ में आ जाएगा, एक बार फिर से मैं आपको और एक और तरीके से करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिए। देखिएगा ये तो आपका हो ही गया है, यहाँ से तो आपको पता चल ही गया है, ठीक है, यहाँ से अवकलन हमें करूंगा। देखिए आप ऐसा समझिए, इसको पहला पार्ट मान लीजिए, इसको दूसरा पार्ट मान लीजिए, तो कैसे करेंगे, पहला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा भाई, इसका अवकलन दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स जो कहते हैं इसका अवकलन करेंगे तो वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वन और वन का जीरो, जीरो को लिखो या मत लिखो इस तरीके से माइनस वन का जीरो हो जाएगा सिंपल सी भाषा में, ठीक है। अब देखिएगा एक्स प्लस वन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर, ये चीज घर चली जाएगी तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, इतना बचा आपका, चलिएगा। अब हमारे पास में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये चीज नीचे आ जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर, ये बराबर है, ये चीज इधर आ जाएगी तो इसको हम लिखेंगे माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, तो भी इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरीके से, क्योंकि इसका मतलब यही तो है, माइनस का मतलब कि माइनस वन इंटू, क्योंकि ये चीज इधर है तो माइनस वन इस तरीके, तो ये एक्स प्लस वन इसके नीचे पहुंच जाएगा ना, तो इसका मतलब एक ही लाइन में एक हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, क्योंकि यही वाली चीज यहाँ पर है, यहाँ पर से ये नीचे आ जाएगी, और ये वाली चीज देखिएगा यहीं से, यदि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ये चीज आ जाएगी, तो ये वैल्यू अपने आप में किसकी है, डी वाई अपॉन डी डी टू वाई अपॉन डी, ये वाली वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की है, ठीक है, इनटू, और ये भी आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स इस तरीके से, समझ में बात नहीं आई, तो आपकी इच्छा है जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। आप कहेंगे सर ये कैसा है, ये चीज इधर जाएगी, ये माइनस का इस तरीके से, माइनस का वन है ना, इसको मारा वो सीधे सीधे इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाता है, तो माइनस वन की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना किसी में भी, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात नहीं है, चलिए कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। 17वें सवाल को देखिएगा, ये क्या कह रहा है, वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर x प्लस वन का होल स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन बराबर दो, ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट, ठीक है चलेगा, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, क्या कह रहा है ये वाला प्रश्न, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, y बराबर आपको दे रखा है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, आप जानते हो एक्स स्क्वायर का यदि अवकलन करते हैं तो 2x आता है, तो ऐसे ही समझ लीजिएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर आपका x है तो इस तरीके का दिखाई देगा, इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसीलिए इसका एक बार अवकलन कर देंगे तो इसका अवकलन 2x, x की जगह पर क्या है tan इनवर्स x है, जो x की जगह पर होता है उसका हम दोबारा से अवकलन करते हैं 2 tan इनवर्स x, और इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की यदि मैं एग्जैक्टली वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी हो जाएगी, ठीक है।
अब हम चाहें तो हम ऊपर वाला फंक्शन पहला मान के नीचे दूसरा मान के कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको इजी तरीके से करना है क्योंकि हमको ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ये लेकर आना, तो इस चीज़ को इधर ले आएंगे हम, इस चीज़ को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये इस तरीके से वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टू टेन इनवर्स एक्स, ये चीज है, ये चीज मैंने इधर कर दिया। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो कैसे, ये वाला पहला फंक्शन और ये वाला आपका दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन जो कहते हो यहाँ पे लिख देंगे पुनः अवकलन करने, पुनः अवकलन करने का, तो ये पहला फंक्शन जो कहते हो, ठीक है, आपको पता है ना कौन सा रूल लगाता हूं मैं, इस तरीके से उनको डेरिवेटिव करना है तो पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन जो कहते हो पहले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करता डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये इनटू इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एक बार अवकलन हो चुका है उसका दोबारा अवकलन करते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ जाता है, फिर प्लस पहला आपके दूसरा फंक्शन जो कहते हो दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका अवकलन करेंगे टू टेन इनवर्स एक्स का, देखिए क्या आएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ इसका, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट कर दिया, तो ये वन प्लस ये स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, फिर प्लस इसका अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वन का अवकलन जीरो एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा दो बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इसमें भी हो जाएगी, ये आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, क्योंकि ये वाला मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में हो जाएगा, ऐसे समझिए ये वाला इधर चला जाएगा तो पहले इसका बड़ा ब्रैकेट लगा दो और वन प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, फिर प्लस और ये है आपका टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट बराबर दो इस तरीके, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, फिर प्लस और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर नहीं यही चीज तो प्रूफ करनी थी, देखिएगा हाँ इसमें इसको आप वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको आप क्या बोल सकते हो, मैंने बताई थी दो बार अवकलन को वाई टू बोलते हैं, वाई टू फिर प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका वाई वन हो जाएगा बराबर दो, यही चीज प्रूफ करनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बात वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन बराबर दो, यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी, सारी एक्सरसाइज आपकी खत्म, अब आपका लगभग अवकलन आपका खत्म, क्योंकि आपकी जो मध्यमान प्रमेय है ये आपका बोर्ड परीक्षा से हटा दी गई है, अब की बार तो आपका जो सिलेबस कम किया है उसमें से हट गई है, तो अब सीधे सीधी बात है पांच पॉइंट आठ एक्सरसाइज खत्म, विविध प्रश्नावली में यही प्रश्न रहते हैं मिक्स करके, इसलिए उसको हम करा नहीं रहे, उसको बाद में करा देंगे, वैसे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें वो सारे प्रश्न हैं जो अब तक कराए हैं, जैसे कि 5.1 5.2 5.3 तो 5.1 से लेकर 5.7 तक के जितने भी सवाल हैं सबको मिक्स करके एक विविध प्रश्नावली बना दी जाती है, तो इसलिए उनको आप होमवर्क में करने का प्रयास करना, नहीं हो तो हमसे पूछ लेना, बाकी मैं करा दूंगा। अब आपका अवकलन के अनुप्रयोग स्टार्ट होंगे, क्या अवकलन के अनुप्रयोग स्टार्ट करूंगा मैं, चिंता ना करो पूरी तरह से पूरा मैथ को खत्म करा दूंगा, फिर सारे विविध प्रश्नावली एक साथ करा दूंगा, ठीक है, फिर अवकलन के अनुप्रयोग चलेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।